हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं काशिकम, आप देख रहे हो निगम फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा अपना वैक्सीनेशन का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो गया, तो वो कैसे टेस्ट हुआ तो उसके बारे में बताएंगे। साथ में जो मुझे ट्रैवल करना था उसके बारे में बताएंगे कि मेरी फ़्लाइट का क्या हुआ और फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है, मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ये सारी डिसाइड हो चुका है अब पूरा प्लान। बट अभी उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं झेल रहा हूँ, तो उसके वजह से थोड़ा सा टेंशन भी हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में पूरा क्लियर बताएंगे आपको कि मेरी फ़्लाइट कैसे मुझे मिलेगी और मैं ले पाऊँगा कि नहीं, ये भी अभी कन्फर्म नहीं है। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि होगा कि नहीं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में पता ही चल जाएगा कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं, और बाकी आपको बताते हैं पूरी चीज़ें। पहले मैं बात ये बताता हूँ कि मैंने 21 को वैक्सीन लगवाया था। 21 को वैक्सीन लगवाने के बाद 4 बजे तक मुझे कोई दिक्कत नहीं था, करीब 11 बजे मुझे वैक्सीन लग गया था और फर्स्ट डोज कोविशील्ड का। और फिर उसके बाद दिक्कत मुझे शाम से स्टार्ट हुई, करीब 6 बजे के बाद से 6 बजे के बाद से मेरे धीरे धीरे फीवर आने लगा, और उसके बाद पैर दर्द करने लगा, और करीब 8 बजने के बाद फीवर एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, और रात के 12-1 बजे तक मतलब कि पूरा ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और एकदम स्वस्थ नहीं हूँ। बट सुबह होते होते कैसे कैसे रात बीती, रात भर पूरा नींद नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर था और शरीर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। बट फिर उसके बाद सुबह हुआ, सुबह करीब 6 बजे तक कैसे मैं 6 बजाया सुबह का, फिर उसके बाद चाय वाय पिया मतलब ब्रश करके, फिर उसके बाद मैं एक पैरासीटामोल लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा 12 बजे तक फीवर उतर गया और दर्द भी ख़त्म हो गया सब। अब जो ये यहाँ पर लगा हुआ था हाथ में इंजेक्शन, बस इंजेक्शन का हल्का सा दर्द है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ही मैंने एक पैरासीटामोल खाया था और उसके बाद से सब ठीक है। और नेक्स्ट डे मतलब कि 21 को मैंने वैक्सीन लगवाया था, और जैसे कि 22 को सुबह मेरी तबीयत ठीक हो गई थी तो मैं गया आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वहीं पर जहां पे मैं कराया था, अली नगर ब्लॉक पर, वहां पे मैं करा लिया आरटीपीसीआर टेस्ट। उसका रिपोर्ट उन्होंने बोला कि मुझे 72 घंटे बाद मिलेगी, तो 72 घंटे अभी नहीं हुआ है, बस 24 घंटा प्लस हो रहा है, तो अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई है, अब पता नहीं कब तक रिपोर्ट आती है। उसके वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी वो पहले के टाइम से डिसाइड हुआ था कि 9 बजे मेरी सुबह फ़्लाइट है बाबतपुर से, वो जाएगी मुंबई, जो कि 11:10 पर मुझे छोड़ देगी। उसके बाद 4 बजे मेरी फ़्लाइट थी दूसरी, वो थी मुंबई से सीधे वो लेके जाती मुझे केरला मतलब कोची एयरपोर्ट पर। पर क्या हुआ कि अभी पूरे प्लान चेंज हो चुके हैं और उसमें एक दो मिस्टेक्स भी हो गए हैं, जिसके वजह से मुझे लगता है कि अभी और डिले हो सकता है और प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इसके रिगार्डिंग मैं सोचा कि इस वीडियो में आपको बता दूं, इस व्लॉग में। तो मेरे साथ केस क्या हुआ कि पहले तो मैं देखा नहीं था, अपना टिकट तो देख लिया था, नाम देख लिया था, मुझे समझ में उस समय कोई दिक्कत नहीं आया। फिर मेरे दोस्त से एक बार बात चल रही थी तो उसने बोला कि तुम्हारे टिकट में कुछ है कि नहीं एडिशनल, या फिर टी ब्रेकफास्ट या फिर मील कुछ भी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो भाई तुम उतना कुछ खा के जाओगे नहीं तो मिलेगा कि नहीं। तो मैं वही चेक कर रहा था तो वहाँ पे मील तो फ्री लिखा हुआ था, बट दिक्कत ये आ गई ना कि मैं जब नाम उसमें टेस्ट किया तो मेरा नाम है AKASH आकाश निगम, और उसमें जो टिकट में नाम आ गया है वो AAKASH आ गया है, मतलब कि AA जो होता है वो आगे की जगह, मतलब कि जो के बाद होता है वो हो गया है के पहले, जिसके वजह से ये एक दिक्कत हो गई है कि अब वो करेक्ट कब तक होता है, कंपनी को मैंने बता दिया है सुबह ही। और दूसरी बात ये दिक्कत हुई कि मेरा जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है वो अभी तक आया नहीं है, जिसके वजह से ये श्योर है नहीं हो रहा है कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि जो अभी मेरी जो स्पाइस जेट की फ़्लाइट है पहली फ़्लाइट, उस फ्लाइट में का जो गाइडलाइन है कि अगर आप महाराष्ट्र या फिर केरला जा रहे हैं तो आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, जो कि 72 घंटा पहले की हो। मैंने टेस्ट तो करा लिया हूँ बट अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, 24 घंटे प्लस हो गई है। और उसके बाद ये दिक्कत आ गई नाम वाला, और ये भी मैंने बता दिया। इन सभी चीज़ों को मैं झेल ही रहा था और बैग पैक कर ही रहा था कि चलो कैसे ना कैसे आरटीपीसीआर टेस्ट भी आ सकता है और हो सकता है कि वहाँ पे एंटीजन टेस्ट हो जाए जिसके वजह से मेरा सब सही हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से प्लान कुछ चेंज हो गया, मुझे मेक माई ट्रिप से एक फिर मैसेज आता है जहाँ से मेरी फ़्लाइट की टिकट हुई है, मैसेज आता है कि आपकी जो फ़्लाइट थी जो 9 बजे की थी उसको चेंज कर दिया गया है, उसकी जगह आपकी दूसरी फ़्लाइट हो गई है जो कि शाम को 8 बजे हो गई है, मतलब रात में। पर जैसे कि मैंने पहले अभी वीडियो में ही बताया कि मेरी पहली फ़्लाइट थी 9 बजे, 11 बजे छोड़ देती मुझे मुंबई, और फिर 4 बजे फ़्लाइट थी मुंबई से जो कि मुझे कोची छोड़ती। बट इस बार क्या हुआ है कि 8 बजे शाम को मेरी पहली फ़्लाइट है वाराणसी से मुंबई, और दूसरी फ़्लाइट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसके रिगार्डिंग भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है। साथ में मेरा नाम भी मिस्टेक है, ये भी दिक्कत, और आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं आया है, तो ये दिक्कत, और दूसरा बहुत सारे इसी सब के वजह से बहुत परेशान चल रहा है। इसलिए सोचे कि वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, बट वीडियो बना रहे हैं। और आज देखिए एकदम मौसम भी तगड़ा हो गया, एकदम अभी बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से एकदम
बढ़िया लग रहा है, नहा धो के सोचा कि एक ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ। और दो दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पहले दिन फीवर था उसके वजह से, और थोड़ा सा बस केवल ये इंजेक्शन लगने की वजह से दर्द है, बाकी और सब ठीक है। और अभी फ़्लाइट जर्नी मेरी हो पाती है कि नहीं, हो जाएगी क्योंकि टिकट तो कन्फर्म ही है और जहाँ जाना है डेस्टिनेशन वो भी कन्फर्म है, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए तो वो भी कन्फर्म है, कहाँ जाना है वो भी एड्रेस आ गया है मेरे पास, बट अभी होटल का एड्रेस नहीं आया और मेरी जो सेकंड फ़्लाइट है वो भी नहीं हुई है, साथ में मेरा जो नाम इनकरेक्ट है वो भी नहीं है, और मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि अभी एयरपोर्ट का और किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है मुझे। तो देखिए मेरे साथ क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, वो वीडियो और भी एक्साइटमेंट भरा हो सकता है अगर मेरा फ़्लाइट हुआ तो, पर अगर फ़्लाइट नहीं भी हुआ फिर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ भी आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ बताना है मुझे कमेंट करना चाहते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।